Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very warm welcome to Masala Morning. क्या हाल हैं आप लोग के? आप कहेंगे आपा को चैन नहीं आता घर पे, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, आपा को आना है, बिल्कुल आना है। इसी को तो कहते हैं लगन काम की। अगर आपके दिल में लगन हो तो कुछ भी हो आपको काम पे आना है। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मुझे, प्यार है आप लोगों से, आपके बिना रह ही नहीं जाता घर पे। हालांकि एक सेकंड के लिए मुझे थॉट आया था सुबह 7:30 बजे, इतना अंधेरा था, बारिश उस वक्त बहुत मामूली थी, ना होने के बराबर, जस्ट ड्रिजल। मैंने कहा चलो आज नहीं जाते हैं, मैं कॉल कर देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादती है, इसलिए कि हमें पैदल तो चल के नहीं आना ना, हमें गाड़ी आती है लेने, ठीक है, हमें गाड़ी जाती है छोड़ने, तो क्या तकलीफ़ है, ठीक है। और लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, आप लोग मुझे वेट करते हैं, ठीक है। और ये मेरा मॉर्निंग शो है, फर्स्ट शो है, ठीक है। शुरुआत कैसी होगी मसाला चैनल की? और इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू गो। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहरहाल आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन काम करना है तो लगन से करो, दिल से करो। अच्छा, यही चीज़ है आपकी कामयाबी का राज, ये आप लिख लो, अपने पल्लू में बांध लो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, कुछ भी हो, आपको पैदल तो नहीं आना ना, ठीक है, रास्ते में पानी खड़ा हुआ है तो वो ड्राइवर का मसला है और वो आपको आराम से लेके आएंगे, संभाल के लेके आएंगे, उनकी हम जिम्मेवारी है, मसाला चैनल की हम जिम्मेवारी है, तो हम क्यों नहीं आए? जब गाड़ी भेजते हैं, हमें गाड़ी छुड़वाती है, तो इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू कम। और आप लोग मेरा कितना इंतज़ार करते हो, जिस दिन लाइव नहीं आता है फल्ला मेरा व्हाट्सएप भर जाते हैं, वेर आर यू आपा, वेर आर यू आपा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू आपा, दिस इज़ व्हाई आई एम हियर, ठीक है, ओके। आज हम शुरुआत करेंगे किट कैट चीज़ केक, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, किट कैट रखे हुए हैं मेरे पास, इसका हम बनाएंगे चीज़ केक, ठीक है। अच्छा, जो बेस बनेगा वो है डाइजेस्टिव बिस्किट्स का, और उसको मैंने क्रश कर लिया है। लोकल जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं, वीटाबिक्स, वीटाबल, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने वो लाल डब्बे वाले लिए हैं, ठीक है। छोटा वाला डब्बा लिया है 200 ग्राम का, उसको क्रश करने के बाद वो 2-2.5 कप आराम से निकल जाता है। उसके बाद उसको हमने क्रश किया, क्रश करने के बाद मैंने 4 ounce मक्खन लिया। 4 ounce मक्खन कितना होता है? 100 grams, यहाँ रखा हुआ है। मैंने ये 8 ounce था, आधा मैंने लेके मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद जो उसमें बिस्किट्स थे मेरे पास क्रश किए हुए, उसमें मैंने बटर मिला लिया, अच्छी तरह से मिक्स किया। 8 inch का राउंड पैन लिया मैंने, चीज़ केक पैन, लूज बॉटम पैन वो लिया, और उसमें मैंने अच्छी तरह से बेस पे बिस्किट्स लगा दिए, और 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है अवन में बेक करने के लिए। एक दफ़ा ये सवाल भी था कि बेक करने में और चिल करने में क्या फ़र्क होता है, आप बिल्कुल चिल कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको काटते हो ना तो बटर बिस्किट में नेचुरली जमा हुआ होता है, हार्ड होता है, बिकॉज चीज़ केक भी हम फ्रीज़र में कभी रख देते हैं, कभी फ्रिज में, तो अगर आप बेक करोगे ना वो बड़ी आसानी तक नीचे बिस्किट तक कट जाता है, और सही तरह से आप उसको निकाल के पेश कर सकते हो। फ्रीज़र में रखने से ये होता है ज़रा सा आपको वो तंग करता है निकलने में, ठीक है, समझ आ गया। वो बेक हो रहा है, अब हम आते हैं फिलिंग पे। यहाँ पर मैंने ली है जेलेटिन 2 tablespoons लेवल्ड, और इस जेलेटिन को इस जेलेटिन को मैंने 1/4 cup पानी में डिसॉल्व कर दिया है, सोक कर दिया है, ठीक है, अभी तक डिसॉल्व नहीं किया है, और मेरी ये जेलेटिन सोक हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। अब इसको मैं सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए आंच पे रख रही हूँ, और 30 सेकंड्स के बाद हम इसको हटा देंगे, इसलिए कि इसमें अगर एक भी उबाल आ जाए जेलेटिन में
तो इसका सेटिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है, यह याद रखिएगा। जेलेटिन को कभी भी उबाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जेलेटिन मेरी मेल्ट हो गई, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ओके, नाउ आई हैव हियर विद मी 3 egg whites and 3 egg yolks सेपरेटेड। एक मिनट, ये 3 अंडे की सफ़ेदी है मेरे पास। जिस प्याले में आप सफ़ेदी अलग करेंगे, प्याला आपका साफ़ हो, चिकना ना हो, गीला ना हो, ऑयली ना हो, ठीक है। और जब आप सफ़ेदी अलग करें जर्दी से, तो इसमें ज़रा सी भी एक ड्रॉप भी जर्दी का ना जाए। हो गया। अब यहाँ पे मैंने जर्दी रखी हुई है, 3 सफ़ेदी इधर है। यहाँ मेरे पास चीनी है 5 ounce। इसमें से मैं आधी चीनी 2.5 ounce यानि तीन कैस्टर शुगर है ये, 4 और ये 5, 2.5 ounce ये है, 2.5 ounce ये है। आप चलिए ब्रेक की तरफ, मैं इसको अच्छी तरह से चीनी और अंडे की जर्दी को मिक्स करके बहुत हल्की आंच पे इसको कुक कर रही हूँ ब्रेक में। और वहाँ जो मेरे बिस्किट्स बेक हो रहे हैं बेस चीज़ केक का, उसको निकाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं भी बाहर गई थी नज़ारा देखने। वाओ माशाल्लाह क्या बारिश है। इन्जॉयबल, इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वेदर। और एक बात कहूँ आपसे, बारिश में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं करता है अल्लाह। रहमत है ये अल्लाह की तरफ से। आप वज़ू कीजिए, खैर दुआ के लिए वज़ू करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दिल की गहराइयों से जो इस वक्त मांग सकते हैं मांगिए। और ये ज़रूर मांगिए कि या अल्लाह इतनी खूबसूरत मौसम आपने दिया है, लेकिन इस बारिश को रहमत बना दे या अल्लाह, कराची वालों के लिए ज़हमत ना बनाना। ज़रूर आप दुआएं मांगें, ठीक है। क्या ब्यूटीफुल वेदर है। अच्छा जी, आ रही हूँ मैं। मैंने एग योक्स पका लिया है, ठीक है। एग योक्स और 2.5 ounce चीनी पका लिए। अब इसमें जा रही है डिसॉल्व की हुई जेलेटिन। ठीक है, ये चली गई। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। अब हम बीट करेंगे एग वाइट्स को स्टिफ। इसमें हम डाल रहे हैं वेनिला या चॉकलेट एसेंस, जो आपको पसंद हो। अच्छा, मुझे एग मुझे क्रीम चीज और कर्ड चीज दोनों बीट करनी है, लेकिन मैं पहले बीट करूंगी एग वाइट्स, ताकि मुझे फिर बीटर धुलवाना ना पड़े, ठीक है।
चीज़, डेढ़ कप मैंने दही ली थी भर के, डेढ़ पाव, उसमें से जो भी चीज़ निकली आपकी हैंग करने के बाद दही का मट्ठा, वो हो गया आपकी कर्ड चीज़। ये मेरी फिलाडेल्फिया की क्रीम चीज़ है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं एग योक, 2.5 आउंस चीनी और जेलेटिन का मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया। Okay, now I'm going to fold in this cream, whipped cream. Deirdre cup. Lastly, fold in the egg whites. Assalamu alaikum, Lubna. Call lage. Assalamu alaikum. जी फरमाइए, कैसी हैं? मौसम enjoy कर रही हैं? जी बिल्कुल। जी फरमाइए। और रहमत की दुआ है अल्लाह से। हैं? अल्लाह से रहमत की दुआ है कि अल्लाह मियां रहमत बरसाए इस बारिश को हमारे लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं बरसाएगा, ये भी एक अल्लाह का जो मैं आजमाइश है। नहीं नहीं, आजमाइश नहीं है, तो रहमत है अल्लाह। इससे पता है सारे लोग जो बाहर होंगे या ये होंगे, उनको घर में बंद किया गया है ताकि कोरोना ना फैले। हर चीज में अल्लाह की एक वो हिकमत है, इसमें भी कोई ना कोई हिकमत। बिल्कुल एक हिकमत है ये भी। हाँ, के है ना, लोगों को घर में रोकने के लिए ऐसी बारिश की देखें, देखें आप सिर्फ इस बात को सोचें। जी बिल्कुल। और आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आराम से जाइए, एंजॉय कीजिए मेरा आज का शो। बहुत शुक्रिया। ये देखें हमारा चीज़ केक का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे चीज़। अल्लाह गरम है या क्या मसला है। एनीवेज आधा डाल रही हूँ। चॉकलेट नाम बता चुकी हूँ, डांट पड़ चुकी है, अब नहीं बोलूंगी, अब समझ गए हैं। ठीक है, वेफर होता है जिसके अंदर। फैला दें, यही तो असल है मजा। जब आप मुंह में जब काटेंगे और खाएंगे तो क्रंच आएगा ना। ले लें। अच्छा देखें, मैं इसको भर रही हूँ पूरा, 2-3 मैं बचा लूँगी टॉप के डेकोरेशन के लिए, और इसको हम इस पर फिर बचा हुआ ये मिक्सचर डालेंगे, इसको यूं करके टैप करेंगे और फ्रीज़र में डाल देंगे। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने डाल दिया फ्रीज़र में अपना चीज़ केक को, और उसको आराम से घंटा डेढ़ घंटा चाहिए, मैंने फ्रीज़र में डाला है। आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, जब भी कोई मीठा बनाएं जिसमें जेलेटिन हो या ना हो, चाहे लबे शीरीन क्यों ना हो, ठीक है, आप मीठा दावत से या जब आपका दिल चाह रहा है खाने के लिए, उसे एक दिन पहले बनाएं, क्लिंग से या फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख दें, ताकि वो चीज़, वो डिज़र्ट, वो मीठा, वो खीर आपकी बिल्कुल चिल्ड हो जाए या ठंडी हो जाए, तो आपको बहुत मज़ा देगी, ठीक है। ओके, दम का फाल। व्हाट इज़ फाल? बैंगलोर में, माय फैमिली कम्स फ्रॉम बैंगलोर, माय मदर साइड, तो वहाँ पे चॉप्स को वो लोग फाल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फाल है, चॉप्स हैं, मटन चॉप्स 750 ग्राम्स, 3 पाव मेरे पास मटन चॉप्स हैं, और इस मटन चॉप्स को कुछ भी नहीं किया, अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप पानी, हरा धनिया और हरी मिर्चें पिसी हुई, ये रखी हुई हैं, छोटी हरी मिर्चें 15 से 20 लिखी हुई, मैंने 15 ही ली थी। अगर मैं घर के लिए बनाती तो शायद 20 ले लेती, इधर मैंने 15 ही लिए कि पता नहीं बहुत तेज़ ना लगे, ठीक है। 15 हरी मिर्चें लिए मैंने, और मैंने इसमें हरा धनिया लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून, एक मुट्ठी बिल्कुल भर के, उसकी डंठियों के साथ, खाली पत्ते नहीं, ठीक है। ये आपने पिसा हुआ डाल दिया, और इसी में 1 कप पानी डाल दीजिए। ओके, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इटालिया का। ओ, ये अलग अलग आ गया आज। जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा 1 टीस्पून हीप्ड या 1 टेबलस्पून लेवल्ड। मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लेवल्ड, ठीक है। ये चला गया, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको आप कुक करने रख देंगे। अभी कोई तेल वेल कुछ भी नहीं है, ये सब बाद में, बस इसको हम 20 मिनट्स के बाद खोलेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र जी, आपका शो हमेशा की तरह भी बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एंड हैप्पी कोल्ड डे। हैप्पी कोल्ड डे, आज आपका मौसम उस तरफ अच्छा है। हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह खैर, लाहौर में तो अभी हब वगैरह है। अच्छा, आप लोग तो आदि हो चुके हैं बारिश के, कराची वालों के लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने आपसे पूछना था कि वो व्हाट्सएप पे जैसे आपकी पिक्चर्स हम वो फॉलो करके रेसिपी बनाएं, और अगर आपको सेंड करनी हो तो वो कैसे करें? ये आप फ़ोन बंद करके मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिए कि मसाला मॉर्निंग्स पे जब आप लोग चीज़ें बनाते हैं तो कहाँ पिक्चर्स भेजें, आप पूछ लीजिए उनसे, ठीक है जी। और वो स्क्रीन फ्री का आपने करना था, क्या करना था? ट्विंस वीक। हाँ, अभी तो अभी अगले हफ्ते से तो दाल चावल वीक है 7 से, वो देखें फिर इसके बाद। हाँ जी, होगा। हाँ हाँ होगा, सारे वीक्स होंगे जो हमने प्लान किए हुए, फिक्र नहीं करें, ठीक है। मुझे आपसे पूछना था, वो आपने उस दिन डच एप्पल पाई बनाया था, उसका डच का मतलब क्या है? डच जगह है, जगह जी। जर्मनी में ये जगह है जी, तो वहाँ का नाम। मुझे मीठा बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा आंटी से पूछूंगी, ट्राई भी करेंगे। जरूर ट्राई करना, बहुत आसान है, सिंपल, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, समझ आ गया। चॉप्स लिए हमने 750 ग्राम, आपकी रेसिपी में आधा किलो में आते ही 6-8 चॉप्स हैं, तो इसलिए मैंने फिर अब 750 ग्राम लिए। और अच्छा, मैंने नमक डालना भूल गई हूँ, मैं डाल लूँगी, ठीक है। इसमें मैंने डाला 1 कप पानी, मटन चॉप्स, और मैंने इसमें शामिल किया अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, और हरी मिर्चें 15 या 20 छोटी तेज़ वाली, और एक मुट्ठी भर के हरा धनिया उसकी डंठियों के साथ, जो बहुत मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं उसको फेंक दीजिए, जो कौली कौली होती है वो आप शामिल किया करें, ऐसा खुशबू उसमें होती है, ठीक है। मैं मेरे ख्याल से नमक डाल देती हूँ, अभी नहीं डालूंगा।
वरना चॉप्स में मज़ा नहीं आएगा ना। 1 teaspoon salt। Assalamualaikum। Assalamualaikum। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपा, मैंने आपसे सबसे पहले मैंने एक विश करना था आपा, आज मैं आयशा फारूक जो हमारी बहुत प्यारी सी फैन है मसाला मॉर्निंग से, आज उनकी बर्थडे है, अल्लाह ताला उनको बहुत सी ऐसी खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। और जी, और आपा मुझे आपने जो प्रोग्राम के शुरू में एक्चुअली जो कॉल की ना, जो बात की, सॉरी, मैं उसके हवाले से बात करूंगा, काम की, अपने काम से जो डिवोशन है उसके हवाले से, आपकी खास तौर पे। मैं आज आपके साथ मतलब तो सभी लोगों के साथ एक छोटा सा एक वाक्य शेयर करूंगा, जो आपने नान खताई के लिए, आपको याद होगा कि लाहौर की जो नान खताई थी, तो उसके लिए आपने कितनी तगोदो की थी कि आपने मतलब गाड़ी उन तंग गलियों में अंदरूनी शहर की नहीं जाती, तो आपने मेरे साथ 1.5 किलोमीटर का पैदल सफर किया था उस खताई के लिए, और वो रेसिपी नहीं हमें दे रहा था। हाँ। मैं सबके साथ शेयर करूंगा कि आपने खाया। हाँ। खा के उसको रेसिपी करवाई, और अब यकीन कीजिए कि वो अब मैं खलीफा से बेकरी से नान खताई नहीं लाता, जो आपकी रेसिपी है उसी से बनाता हूँ। और आपने, मैं कहा, अब अल्लाह तला ने आपको इतनी महारत दी है कि आपने उस रेसिपी से हमें मतलब 4-5 बेसन की नान खताई और डिफरेंट नान खताई, मतलब 5 रेसिपीज आपने डिफरेंट सिखाई, तो ये अपने काम से डिवोशन और मोहब्बत है जो आपको है। और मुझे आपकी आपकी सभी बातों में जो सबसे ज्यादा चीज जिससे मुझे आपकी मोहब्बत, जिस बात से मोहब्बत है, वो ये है कि आप अपने काम से बहुत सिंसियर हैं, और सिंसियर के अलावा आप जितनी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि काश मुझ में वो चीज आ जाए। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप जैसे लोग पाकिस्तान का सरमाया है, और सेहत भरी जिंदगी के साथ सलामत रहिए। आमीन, जज़ाकअल्लाह बेटा। वाकई ये बात आपने आज जो की है मेरे नाज़रीन के सामने, एक हकीकत है। मैं इसी तरह हूँ, मैं बहुत जुनूनी हूँ अपने काम, जहाँ तक मेरा काम काल है, ठीक है। और अगर मुझे कोई चीज़ हासिल करनी है तो मैं आड़ी चोटी का जोर लगाऊंगी और मैं उस चीज़ को हासिल करके रहूँगी। मैं अपनी रेसिपीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ, मुझे बहुत शौक है। अगर कोई नया रेस्टोरेंट आया है, अब यहाँ पे कराची, अभी आपको एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, कराची में अभी एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उस वो बहुत प्यारा बच्चा है, वो मेरे शो पे भी मैंने उनको इनवाइट किया है, वो आएगा किसी मंगल को, वो खुद भी उनको बुलाऊंगी, और जो उनके शेफ़ है मेरी उनसे बात हो गई है। तो ही कॉन्टेक्टेड मी एंड ही सेड, आपा मैंने ये उनकी अम्मा मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, ठीक है, उमर खालिद, ओके। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, आपा मैंने ऐसा ऐसा नया रेस्टोरेंट खोला है और मैं आपको आपके घर पे डिलीवरी करवाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान डिट्रॉइट स्टाइल पिज्ज़ा। और उसने मुझे 3-4 किस्म के विंग्स भिजवाए और चीटोस स्लाइडर्स, इस तरह की उसने पूरा अपना मेन्यू बना के उस बच्चे ने मुझे पूरा, मैंने कहा संडे को भेजना, मेरी बच्चियाँ आती हैं, 15 लोगों का उसने मुझे खाना फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा, इतना मज़े का लगा। मैंने फ़ौरन उसकी रेसिपीज़ वो कर दी, मैंने कहा मैं शो पे कराऊंगी, उसने कहा नहीं आपको कराने की ज़रूरत नहीं है शो पे, मैं अपना शेफ़ भेजूँगा आपके लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका शेफ़ आएगा और मैं उमर को भी इन्वाइट करूँगी ताकि वो आके आपको बताएँ कि वो इस मुकाम पर कहाँ कैसा पहुँचा। तो लगन होनी चाहिए, काम आप कुछ भी करें, कुकिंग से नहीं ताल्लुक़ करें, आप जहाँ भी जाएं, आप चाहे दर्जी हों, आप चाहे अपने ऑफिस में हों, आप चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हों, लगन से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से करें, अल्लाह आपको उसका अजर इसी दुनिया में देता है, ट्रस्ट मी, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ इसलिए आपसे इतनी सारी बातें कर ली कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और ये मेरे साथ ये हो चुका है, इसको 15 से 20 मिनट बाद मैं खोलूँगी। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और गरम मसाला पाउडर, इसमें और कुछ नहीं जाते, और ऐसे लजीज चॉप्स बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये मेरे पास चिप्स रखे हुए हैं, वेजेस मोटे मोटे काट के, आधे सख्त हैं, आधे आधे मैंने गला लिए थे, प्याज है इस तरह से मोटी मोटी, ठीक है, हरी मिर्चें हैं साबुत, और शिमला मिर्च हम दम पे डालेंगे, ये सब डालेंगे, मिक्स करेंगे, और आप इसको, यू विल एंजॉय दिस फाल, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आके स्टार्ट करेंगे आपकी बहुत ही डिफरेंट यमी बिरयानी,
जिसका नाम है बिहारी चिकन बिरयानी। जी जनाब, हमारे फाल हो रहे हैं। फाल का मतलब चॉप्स, ठीक है, वो अपना हो रहा है। उसको मैं 15 मिनट 20 मिनट के बाद खोलती हूँ और उसमें मैं आलू डाल दूँगी और प्याज डाल दूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी, कुटी हुई काली मिर्चें डाल दूँगी, गरम मसाला पाउडर डाल के उसको मज़ीद 10 मिनट पकाएँगे कि चॉप्स भी गल जाएँ और आलू में जो कसर है वो हो जाए, ठीक है। प्याज इसमें खड़ी खड़ी बहुत अच्छी लगती है, जैसा आप स्टेक्स में नहीं खाते हैं अनियन रिंग्स, आई डोंट नो, आई समहाउ लाइक दिस। बहुत सारे लोगों को प्याज सालन में नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप यकीन जाने आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एकदम ऐसी लिजली जी नहीं होनी चाहिए, शुड स्टैंड। तो मैं थोड़ी सी देर बाद प्याज और शिमला में दम पे डालूँगी, बल्कि हरी मिर्ची भी मैं दम पे डालूँगी, ठीक है। आ रही हूँ मैं आज की बहुत मज़े की बोनलेस चिकन से बनती है बिहारी चिकन बिरयानी, आपको बहुत इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। ओके, आई हैव हियर विद मी बोनलेस चिकन 1 kg, ये देखें, ठीक है, क्यूब्स में हमने काट लिए। इसको आपको मैरिनेट करना है 1.5 कप दही, 1.5 पाव या 1.5 कप। ओके, इसमें जाएगा नमक 2 चाय का चम्मच, ठीक है, क्रीम 1 packet, ठीक है। उसके बाद कुटी हुई काली मिर्चें 1 teaspoon, ये चली गई। भुनावा कुटावा जीरा 2 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्चें 3 मिर्चें, ओके। कुटी हुई कुटा हुआ भुनावा जीरा 2 teaspoon। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम पापा जानी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा, आप कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है पापा। मैं आपको मतलब आप जितनी तारीफ करूँ और जितना आपका थैंक यू करूँ उतना कम है। इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ। क्यों, आपने क्या बनाया? पापा मैंने अपने ससुराल वालों की दावत की और मैंने सारी रेसिपी साथी बनाई और यकीन कीजिए इतनी मतलब मेरी तारीफें हुई हैं। टिक्का पुलाव बनाया, शामी कबाब, चिकन स्टिक बोटी, स्ट्रॉबेरी डेजर्ट, आपका इतनी तारीफें हुई हैं। वो कहने लगे आप सही की टाइम है शीरी नंद, मतलब इतनी ज्यादा। चलो मैंने कहा सारा क्रेडिट जो है मेरी आपा को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, शुक्र है। आपा आपने मतलब आपसे हमने कुकिंग नहीं सीखी, आपसे हर चीज हर बात सीखते हैं, अच्छी बात हर चीज। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें बताती ही हैं कि ये सही है ये गलत है, इस तरह वेस्टेज नहीं करनी है चीजों का, बस मतलब हर चीज हमें गाइड करती हैं। बस अल्लाह कबूल कर ले बेटा, ये भी सदका जारिया है, कोई भी चीज करे आपको सही करे। और खैर दे, और सुमेरा की तो खैर माशाल्लाह क्या बात है, देखती रहती हूँ उसकी चीजें उसकी प्रेजेंटेशन। बहुत शुक्रिया बेटा। आपा मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी बोलिए। पापा मैंने आपसे वो कहावत था कि मसाला डोसा प्लीज। हाँ हाँ, वो मेरी बात हो गई है, थोड़ा सा वेट कर लें, मैं दाल और सब्जी का वीक कर लूँ, फिर मुझे एक मिल गए हैं साहब, उनको मैं बुला के करवाऊँगी, बिकॉज मुझे डोसा बनाना बिल्कुल आता है बट आई एम नॉट परफेक्ट। अगर मैं आपको सिखाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं ऐसी चीज़ अपने नाज़रीन को सिखाऊँ जो कि बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, ठीक है, तो मैं बिल्कुल कराऊँगी, बिल्कुल कराऊँगी। थैंक यू सो मच। ओके ओके बेटा, ओके बेटा, जजाकल्ला।
अच्छा, क्रश रेड पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्चें एक चाय का चम्मच, मैं रिपीट करूँगी, परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून चला गया, ठीक है। उसके बाद बस ये सब कुछ तो हमारा इसमें मैरिनेशन है। क्या क्या था? 1 किलो चिकन बोनलेस क्यूब्स कटिंग, 1.5 कप दही, 1 पैकेट क्रीम, 2 चाय के चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक 2 टीस्पून लेवल, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, छोटी इलायची 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, माफ़ कर दीजिएगा, मैं शायद भूल गई होंगी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर। चलें अब इसको हम चढ़ा रहे हैं। ये एक्चुअली बिरयानी हांडी में पकती है, ठीक है बेटा, इधर बड़ी हांडी है तो मुझे भिजवा दो, मैं आज भूल गई, बस जहाँ एक्चुअली मेरा सामान रखा हुआ है वहाँ पे बहुत बारिश, उधर मैं जा नहीं सकती थी उस जगह, इसलिए मैं नहीं लाई। अच्छा जी, ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे मक्खन में, आप सोचें क्या बनेगी ये। मक्खन लेंगे हम 4 आउंस, और इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल साथ में इसके डालेंगे 1/4 कप। ठीक है, और इसमें हम ये शामिल कर देंगे, और इसको बस कुछ भी ना भूनना है, ना कुछ भी नहीं करना, इसको आप बस कवर करके छोड़ दो, 20 मिनट में चिकन दम पे आ जाएगी। आप समझो आप ये बड़ी जिसमें आप कुन्ना बनाते हो ना, उसमें कर रहे हो, गौर से सुन लीजिए, आपने ये चिकन उस हांडी में मक्खन और तेल गरम किया, और आपने ये चिकन डाल दी मिट्टी की हांडी में, ठीक है, ये डाल दी आपने, और ये डाल के आपने इसको कुक करना है 20 से 25 मिनट में, आपकी चिकन गल जाएगी, गाढ़ा गाढ़ा मसाला रह जाएगा, सही। फिर आपने उसके ऊपर तकरीबन आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना डालेंगे, और चावल ऊपर से डालेंगे। यहाँ मेरे पास केवड़ा रखा हुआ है, केवड़े में मैं शामिल करूँगी जर्दे का कलर, ऊपर से उसको डालेंगे, थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डालेंगे, पोमेस, और दम पे छोड़ देंगे हांडी में ही। और बिहारी चिकन, बिहारी चिकन बिरयानी पे कोयले का धुआं दिया जाएगा, और उसको आप सर्व भी हांडी में ही करेंगे, समझ आ गया। चलें, मैं देखती हूँ अगर है तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, अभी तो मैं डाल दूँ। क्या खुशबू आई है मक्खन की, देखें हर कोई बिरयानियाँ बनाता है, बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, आम मेमनी बिरयानी, वही 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 वही, तो आप ये अब बिरयानी ट्राई कीजिए, आपको बहुत और खूब मसाले वाली है, मतलब इसमें ऐसी नहीं कि प्लेन प्लेन होगी। बस अब मैं अपने चॉप्स खोल रही हूँ, बंद कर दिया है मैंने, आलू डाल के और 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, दिस इज़ द सेकंड टाइम आई एम कॉलिंग, और मेरी कॉल लग जाती है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लगन से करते हो ना मेरी जान। जी बिल्कुल, एक्चुअली आई वांटेड टू से थैंक यू कि मुझे व्हाइट सॉस का समझ आ गया था। अच्छा, ओके। और मुझे सिर्फ ये चीज़ पूछनी थी कि आपने जो स्टॉक का कहा था, तो मेरे पास जो आपकी रेसिपी है ना, उसमें स्टॉक ऐड नहीं है, इज इट नेसेसरी टू ऐड चिकन स्टॉक? नो
नॉट एट ऑल. व्हेन आई एम मेकिंग इट एट होम एंड इफ आई डोंट हैव स्टॉक बनाने के लिए तो मैं पानी डाल देती हूँ और उसमें चिकन पाउडर डाल दो या स्टॉक का क्यूब इटालिया का डाल दो. अच्छा ठीक है आपा, आई हैव अ रिक्वेस्ट एक्चुअली. जी जान. इज इट पॉसिबल फॉर यू दैट आफ्टर मुहर्रम इफ यू कुड अरेंज अ शो जिसमें आप ये दो बेसिक रेसिपीज हमें दोबारा से रिवाइज करा दें, चिकन पास्ता विद व्हाइट सॉस एंड विद रेड सॉस. और हाँ ये दो अगर आप मुझे रेसिपीज दोबारा से रिवाइज करा दें. ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं किसी भी दिन बीच में डाल दूंगी. ओह थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम बेटा, जीते रहो खुश रहो. ओके खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़ बेटा. चलें जी ब्रेक आ चुकी है, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक से वापस आते हैं, शायद प्रॉमिस नहीं करती हूँ, शायद आपको ये मिल जाएगी ये चीज़ मेरी हांडी में. आई विल सी, अगर बड़ी हांडी है जिसमें चावल भी आ जाए इतने 3 पाव तो फिर हम उसको हांडी में कर लेते हैं. ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. जी जनाब, वेलकम बैक. आई मैनेज टू गेट द हांडी. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखें हमारी चिकन हो रही है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको मैं बंद कर रही हूँ. 5 मिनट के बाद मैं इसमें हरा धनिया, हरी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. देखें टीवी पे चल के हमने क्या किया था, देखें. जी जनाब, हमने कहा थोड़ा सा कुछ इधर एक तड़का लगा देते हैं आप लोगों के लिए. इतना अच्छा मौसम है बाहर, ऐसा दिल चाह रहा है बस वहीं जाके नज़ारा देखते रहो. ब्यूटीफुल वेदर, एक्चुअली आई लव दिस वेदर, सो मे बी दैट्स द रीज़न. अच्छा एक चीज़ बिरयानी, अच्छा सॉरी, हमारे जो फाल थे चॉप्स थे मैंने इनको खोला था, आपके साथ में बंद कर दिया था ना, मैंने खोला. खोलने के बाद मैंने चॉप्स को देखा, बेहतरीन गल रहे हैं, गल गए थे. ज़रा सी 2 मिनट की कसर थी, मैंने इसमें आलू डाल दिया. आलू डाल के 5 मिनट रखा, अब मैं इसको वापस से बंद कर, इसको मैं फिर बंद कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम मेलिसा. Hey, how are you? Good morning. Good morning. First, tell me, how's your son doing? Auntie, there is much improvement. The doctor said last night, yesterday morning only he called up my husband. He told him he is much improvement. Alhamdulillah. So, just hoping when he comes home, he is normal. Inshallah, inshallah. Somebody's prayers, everybody's prayers, God is listening. Alhamdulillah, beta. Yes. Inshallah, he'll be okay soon. Inshallah. Thank you so much. Auntie, tell me, guide me one thing, no? Now I have got one recipe for methi chicken. Okay, it says 50 grams methi leaves. Now I do not have methi leaves, but I have kasuri methi. Okay. So, kitna kasuri methi dalu? Nahi. 1 tablespoon heaped. End mein jab chicken tayar ho jaye, to dal dena pani mein soak karke. Okay. Done. Thank you so much. Welcome, beta. Jeete raho. Thank you. Bye. Beta, lafiz. Acha, handi biryani ke liye. बिहारी चिकन बिरयानी के लिए यहाँ हरी मिर्चें भी जाएंगी पिसी हुई, बिहारी में होती है ना बिहारी टिक्के में, मैंने 6 छोटी हरी मिर्चें ली थी पिसी हुई, वो भी डाल दी. ठीक है, अब हम इसको दम पे लगा रहे हैं. हमारी चिकन बेहतरीन हो गई है. पूरी गड्डी पुदीना, ये पूरी गड्डी. अब मेरा मुट्ठी देखो, बड़ी मुट्ठी है माशाल्लाह. ठीक है, 1 कप हरा धनिया. ठीक है, अभी मैं इसको 2 मिनट बंद कर रही हूँ ताकि नीचे लगे. इट्स टू हैवी, आई एम सॉरी, आई कांट कोप अप. ठीक,
ओके तीन पाव यानी कि 750 ग्राम चावल है मेरे पास। चिकन इज़ 1 kg बोनलेस है। आप बिल्कुल अगर आपके घर में बड़ी दावत है और अगर आप बरकत चाह रहे हो तो हड्डी वाली से बना लो, छोटे छोटे पीसेस करके। 1 किलो चिकन लेना 20 पीसेस की भी। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल और हम डालेंगे इसमें ऊपर केवड़ा और कलर। इसमें आपने एक चीज़ नोट की, प्याज का नामो निशान भी नहीं है। दिस बिरयानी सर्व्स आराम से 8। टू टेबल स्पून ऑयल ऊपर से, कलर केवड़ा, अच्छा अब मैं इसको खोल रही हूँ। इसको अब आपको बहुत संभालना है, अगर खुदा न खास्ता मिट्टी की हांडी लगती है फौरन, अगर ये लग गई नीचे बिरयानी आपको फेंकनी पड़ेगी, आप नहीं खा सकते। इसकी इतनी मिट्टी की अजीब सी स्मेल आ जाती है लगने की, ठीक है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए तेज़ पे छोड़ा है, मैं हल्का कर दूँगी। हेलो रंजीता, अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी जान, सब खैरियत से, आपकी दुआएं हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने कहूँगी अच्छा वेदर है, मुझे भी ऐसा वेदर बहुत पसंद है, लेकिन इतनी तकलीफ उठाकर आती हैं आप। अल्लाह मियां आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, हमारे पे ऐसी बनी रहे आप। थैंक यू। मुझे कहना था ट्यूजडेज के शो दे आर रियली गोइंग वेरी वेल, रहीसा आंटी वॉज ऑसम, मतलब इतने सिंपलिसिटी से, इतनी यूनिकनेस से उन्होंने वो फ्लास बनाने सिखाए कि एक सिंपल केक को कैसे एकदम से बेकरी स्टाइल में टर्न कर दिया। इट वाज ऑसम, लुकिंग फॉरवर्ड कि और ट्यूजडेज को और भी अच्छे अच्छे आप शेफ्स लेकर आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड आई विल ओनली से दैट अ पर्सन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स, आप इतने एक्सपर्ट हैं तो जो आपके नेटवर्क के लोग हैं वो उतने ही लेवल के एक्सपर्ट। आई कैन जस्ट ओनली से दैट माय टीम इज रियली गुड। यू ऑल आंटी जान, मैं अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अल्लाह आपको शांति दे। थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम बहरीन, जज़ाकअल्लाह। हाँ बेटा, तकलीफ उठा के थोड़ी आती हूँ, गाड़ी में बैठ के आती हूँ। आई डोंट कम स्विमिंग और आई डोंट कम वॉकिंग, इट्स ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ब्रेक आ चुकी है, ये देखें, देखा आपने? अच्छा ये हो गया, इसमें हमने काली मिर्चें नहीं डाली थी ना, 1 teaspoon क्रश्ड ब्लैक पेपर। इसको हम ज़रा सा हिला लेते हैं, ये देखें, सिर्फ आलू चेक कर लूँ, गल गया है, फर्स्ट क्लास गल गया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, और इसको हम बंद कर रहे हैं लेकिन वेट नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा मैंने उसमें चॉप्स में फाल में मैंने ऑयल डाल दिया, आपने देखा तो मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था, पानी में चढ़ाया था। अब ये अगर आप डाइट के लिए कर रहे हो तो आप मत डालो। मैंने डाला है अभी इसमें 1/4 cup ऑयल। बस
ठीक है, और कोयला जला दिया, इस पे दम देने, ओ माशाल्लाह दिस इज़ डन, आ गई ये दम पे, ठीक है, इस पे हम धुआँ दे रहे हैं। बिहारी चिकन बिरयानी, अच्छा सा बूंदी का रायता बना लें, खीरे का रायता बना लें, कचुम्बर बना लें, उसके साथ आप इसको पेश कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत डिफरेंट बिरयानी। अस्सलामुअलैकुम। चलो अस्सलामुअलैकुम। सिरिनापत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत बहुत अरसे के बाद आपको फ़ोन किया। जी बोलिए, कौन बोल रही है? चैनल, मैं जरीना हूँ कराची से। जी जी बोलिए। वो मैं पूछ रही थी, आपने बिहारी बिरयानी बनाई, उसमें बिहारी मसाला नहीं डाला? नहीं नहीं नहीं, मेरा अपना खुद का जो तरीका है, पैकेट के मसाले से खाना बना लें तो क्या कमाल है। सही बात है, मसाला आपका खाना तो लाजवाब है। नहीं आप खुद बनाए? नहीं, मसाला बहुत अच्छा है, मैं ट्राई करती हूँ आपका खाना भी। बहुत शुक्रिया। खीर भी बनाई थी मैंने आपकी, जो कंडेंस मिल्क, अरे वो नहीं, वो डाला था आपने कस्टर्ड पाउडर डाल के खीर बनाई थी। क्या डाल की? क्या डाला था? कस्टर्ड पाउडर। जी 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 बिल्कुल बनाई, वो भी मैंने बनाई थी, मसाला अच्छी बनी, मगर उसमें कस्टर्ड का थोड़ा टेस्ट नहीं आ रहा था। नहीं तो क्यों आएगा, खीर है ना। वो तो नहीं आना चाहिए, कस्टर्ड थोड़ी बनाया है हमने, वो तो जरा सा ट्विस्ट देने के लिए मैंने डाला था। सही सही, ठीक है, बस अल्लाह में आपको सेहतमंद तंदुरुस्ती रखे अल्लाह, और ऐसे खाना पकाते सिखाते रहो, और न्यू जनरेशन भी सीखे माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल सीखेगी। और सुमेरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना पकाती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखे हमारे फाल। बस इसको अब आप, इसको आपको बहुत संभाल के निकालना है, ब्रेक आ चुकी है, और ये कौन सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये कौन सी ब्रेक है, ये रीकैप ब्रेक है, ठीक है, तो आप चल के देखिए रीकैप, मैं यहाँ पे, आप देखते हुए जाओ, सारे बस मैं निकाल रही हूँ, आप ब्रेक ले लेना, ठीक है, आप लोग देखते हुए जाओ, बस मैं इसको किस तरह निकाल रही हूँ, और हम आपसे मिलेंगे रीकैप ब्रेक के बाद। बिहारी चिकन बिरयानी मैरिनेशन के अज्जा, बोनलेस चिकन 1 किलो, दही 1.5 कप, नमक 2 चाय के चमचे, क्रीम 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट हसबे ज़रूरत, इसी इलायची 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, उबले चावल 750 ग्राम, कुटी हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1 गट्ठी, मक्खन 4 औंस, तेल 1/2 कप, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, तरकीब
बोनलेस चिकन पर दही, नमक, क्रीम, कुटी काली मिर्च, कुटा जीरा, कुटी लाल मिर्च, पिसी इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर एक घंटा मैरिनेट कर लें। अब हांडी में मक्खन और तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन 20 मिनट ढककर पकाएं। फिर चावलों को 2 खाने के चम्मच नमक डालकर उबालें और चिकन पर डाल दें। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और जर्दे का रंग मिला हुआ केवड़ा शामिल कर लें। आखिर में इसे ढककर कोयले से 20 मिनट दम दें और सर्व करें। दम का फाल। अच्छा, मटन चॉप 1/2 किलो, नमक 1 चाय चम्मच, छोटी हरी मिर्च 15 से 20 अदद, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय चम्मच, तेल 1/3 कप, आलू 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, पिसा जीरा 1 चाय चम्मच, प्याज 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय चम्मच। तरकीब। ग्राइंडर में हरी मिर्ची और हरा धनिया अच्छी तरह पीस कर पेस्ट बना लें। अब मटन की चापों को हैमर की मदद से फ्लैट कर लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके मटन की चापें, 1 कप पानी, हरी मिर्च और हरे धनिया का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें और चापें गलने तक पकाएं। उसके बाद आलू उबालकर प्याज, शिमला मिर्च, कुटी काली मिर्च, जीरा, नमक और पिसा गर्म मसाला शामिल कर लें। अब इन्हें चापों में डालकर हरी मिर्च डाल दें। फिर 10 मिनट दम देकर सर्व करें। वेफर चीज़ केक। अज्जा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स चूरा 2.5 कप, मक्खन 4 औंस, वनीला एसेंस 1 चाय चम्मच, चॉकलेट बार 1/2 से 1 कप, अंडे अलग किए हुए 3 अदद, चीनी 5 औंस, जेलेटिन 2 खाने के चम्मचे, पानी 1/4 कप, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, कर्ड चीज़ 200 ग्राम, फ्रेश क्रीम व्हिप्ड 12 औंस, फ्रेश क्रीम व्हिप्ड डेकोरेशन के लिए। तरकीब। बेस बनाने के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स को चूरा करके पिघले हुए मक्खन में मिक्स कर लें और 9 इंच लूज पैन में डालकर बेस बना लें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करके निकाल लें। फिलिंग के लिए अंडे की जर्दी और आधी चीनी पकाकर कस्टर्ड बना लें और स्टर करते रहें। फिर इसमें भीगी हुई जेलेटिन डालकर मिक्स करके रख दें। उसके बाद एक अलग बोल में दोनों चीज़ और वनीला एसेंस फेंटें। अब इसे अंडे के मिक्सचर और जेलेटिन चीज़ के मिक्सचर में मिलाकर फेंट लें। फिर अंडों की सफ़ेदी और बाकी चीनी को फेंट कर चॉकलेट में फोल्ड कर दें। उसके बाद इस मिक्सचर को बेस पर डालें और फिटी हुई क्रीम से सजा कर पेश करें। दम का फाल। अच्छा, मटन चॉप 1/2 किलो, नमक 1 चाय चम्मच, छोटी हरी मिर्च 15 से 20 अदद, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय चम्मच, तेल 1/3 कप, आलू 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, पिसा जीरा 1 चाय चम्मच, प्याज 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय चम्मच। जी जनाब, वेलकम बैक। तीनों चीज़ें आपके सामने। हमारा ज़बरदस्त सा जो चॉकलेट का नाम दिया था आपको, उसका केक बनाया, वेफर इसलिए लिख दिया कि इसके अंदर वेफर होता है, और फाल चॉप्स, दम के फाल चॉप्स और बिहारी चिकन बिरयानी। आई होप यू एंजॉयड द शो। डू ट्राई दीज रेसिपीज़ एंड गिव अस योर फीडबैक। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल जुमातुल मुबारक है, आपसे मुलाकात होगी। आज जुमेरात है, आपको हर जुमेरात को याद दिलाती हूँ। सूरह काफ आपने पढ़ना है, सूरह जुमा पढ़ना है, सूरह मुल्क पढ़ना है, और आपको पढ़ना है सूरह दखान। ठीक है, सारी सूरतें जो आपकी जुमेरात की और रोज़ाना का मामूल है, उसको प्लीज़ पढ़ लिया करें। ठीक है, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज दावत में बन रहा है चना दाल लौकी और दम पोख्त। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, मुझे और मेरी टीम को ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।